नमस्कार बागवान भाइयों, मैं डीके ऑर्चर्ड शिल्ला। मैं आज आप लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। तो मेरा पहली बात यह है कि जो मैं आपके सामने ये प्लांट शेयर कर रहा हूं, ये प्लांट है रेड ब्लॉक्स का, जो कि आप देख सकते हैं रेड ब्लॉक्स। ये 2020 की ब्रांच ग्राफ्टिंग इसमें करी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्लांट इस जगह पे 5500 फीट हाइट में इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप, अच्छी है। तो अब इस प्लांट में एक ही वर्क रह चुका है, वो है बीमो का। लेकिन मेन बात तो ये है कि आप अगर स्टार्टिंग से ही पौधे को फसल में रखना चाहते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है उसमें दिक्कत आ जाती है। आपका जो पेड़ है वो एक छोटे से आकार में ही फसल देना शुरू कर देता है और आने वाले कुछ सालों में वो फिर ग्रोथ लेस हो जाता है, जाने की कगार पे रहता है। इसीलिए आपको पहले सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि आपका जो पौधा है वो मजबूत बनना चाहिए। फसल तो आपको मिल ही जाएगी लेकिन पेड़ एक मजबूती में होना ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, तो जो ये प्लांट है ये अब तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये मतलब कि पेटी, एक पेटी संभालने की कैपेसिटी बन चुकी है इस प्लांट की। अब इसमें हमारा जो वर्क रह चुका है वो है बीन्स का, जो कि अब इसमें शुरू है। बीन्स इसमें निकल चुके हैं। इस बार इसमें सैंपल आने की संभावना भी है। अब इसमें वर्क यही रहेगा कि इसमें अब बीमों का ध्यान रखा जाएगा और इस पेड़ को फसल में तब्दील किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जो रेड ब्लॉक्स है, अर्ली रेड वन है, किंग रॉट है, ये 5500, 6000, 7500 पे जो ये प्लांट है ये बहुत ही लाभदायक है इस जगह पर। जो मेन बात है ग्रोथ, पेड़ में ग्रोथ अगर अच्छी है तो आपका प्लांट लॉन्ग टाइम चल सकता है, वरना आपकी 2-4 साल में फसल देने के बाद अगर पेड़ सूख जाता है या ज़्यादा ही फसल से बीमे भर जाते हैं और पेड़ रह जाता है। इसलिए आपको पहले मेन बात तो यही है कि आपको बनाना है पहले प्लांट, फिर प्लांट बन गया तो फसल तो आपको मिलनी है जब पौधा तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको अपने आने वाले कोई और वीडियो में भी आपको अर्ली रेड वन के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा, जैसे कि किंग रॉट हो गया है, अर्ली रेड वन, रेड ब्लॉक्स, आपका पॉलिनेशन में ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर, उससे भी जुड़ी बातें कुछ शेयर करूंगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।